बिलारी नगर के तहसील स्थित सभागार में पूर्व घोषित सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील बार बिलारी की कार्यकारिणी का निर्विरोध गठन किया गया, जिसमें सभी ने अपनी सहमति प्रस्तुत की। शनिवार को दोपहर के बाद तहसील बार एसोसिएशन की सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से तहसील बार का अध्यक्ष के पद पर चैतन्य पाल सिंह एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आसिफ कमल व अनोद कुमार, सचिव जबर सिंह, उप सचिव सुनील कुमार, कोषाध्यक्ष अखिलेश चंद्र गौड़, संगठन मंत्री जबर सिंह, ऑडिटर कुंवर पाल सिंह, प्रवक्ता विजयवीर सिंह, सचिव मनोहर सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष बिशन सिंह आर्य, संरक्षक मंडल में भगवान शरण माथुर, हाजी मोहम्मद उस्मान, शराफत हुसैन को निर्विरोध चुन लिया गया। इस मौके पर निवर्तमान अध्यक्ष अफाक हुसैन ने ये कहा कि सोमवार और मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह के चलते तहसील न्यायिक कार्य स्थगित रहेगा। सभा के अंत में निवर्तमान बार अध्यक्ष अफाक हुसैन एडवोकेट ने सभी का आभार व्यक्त किया। बार एसोसिएशन के बायलॉज के मुताबिक पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बार की आम सभा की बैठक बुलाई गई। सारे वकीलों को पहले से ही मालूम था कि चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई है, इसलिए आम सभा की खुली बैठक बुलाई गई। उसमें मेन मुद्दा चुनाव का ही रहा। सारे वकीलों ने यह कहा कि आपसी एकता कायम रखने के लिए पूर्व की तरह निर्विरोध चुनाव करा लिया जाए। पूरे सदन ने ये प्रस्ताव पारित किया कि आज ही सारे पदों पर चुनाव निर्विरोध संपन्न कराया जाए। उसमें सबकी राय ली गई और एक एक पद पर सर्वसम्मति से केवल एक एक नाम ही आया। और एक एक नाम आने के बाद हमारे बार के संरक्षक जो हमारे चुनाव की प्रक्रिया को देख रहे हैं, जनाब भगवान शरण माथुर साहब और जनाब शराफत हुसैन साहब, उनकी मौजूदगी में पूरी कार्यकारिणी को निर्विरोध घोषित किया गया। और जो कार्यकारिणी चुनी गई उसमें अध्यक्ष चेतन पाल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ कमल, उपाध्यक्ष अनोद कुमार, सचिव जबर सिंह, उप सचिव सुनील कुमार, कोषाध्यक्ष अखिलेश गौड़, संगठन मंत्री नवाब हुसैन, ऑडिटर कुंवर पाल सिंह, प्रवक्ता विजयवीर सिंह, कार्य सचिव मनोहर सिंह मौर्य, पुस्तकालय अध्यक्ष बिशन सिंह आर्य, संरक्षक मंडल में भगवान शरण माथुर साहब, शराफत हुसैन साहब, उस्मान साहब आदि शामिल किए गए। और आज ही सारे पदाधिकारियों का हमारे सारे सदस्यों ने स्वागत किया और सोमवार की सुबह सभी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है और सोमवार को तहसील की अदालतों में न्यायिक कार्य भी स्थगित रखा जाएगा।